सभी महिलाओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी करवा चौथ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम की चाय 4 बजे वाली, मैं और चिंकी जा रहे हैं घेर में, और कई दिन हो गए मुझे घेर में गए हुए। चलो भाई, मैं भी घूम आऊंगी, क्योंकि आपको कई दिन हो गए, मैं बहुत चक्कर काट चुकी सुबह से। अच्छा चलो, तो चलो चलते हैं। और अभी ना यहाँ पे बाजार खड़ा था, बाजार का कुछ कह रहा, पर फिर भी मैं भाग के आ गई थी, मुझे बहुत डर लग गया मम्मी। तो गाइज अभी आ गए हैं हम घेर में, चलिए चाय देते हैं सबको। और आज ऊपर कैसे दिखाऊंगे चिंकी, हमें तो सबसे ऊपर है। मैं तो चढ़ गई थी मम्मी। अच्छा जी। मैं तो एक दो बार घूमी आई चढ़ के। अच्छा जी। ये मेरा सुबह से लेके 7:30 बजे चक्कर है, 7:00-8:00। हाँ जी। चाचा जी ने यहाँ पे एक नीम का पेड़ लगाया था, वो जामुन का लग रहा था पर वो सूख गया, और ये एक नीम का पेड़ लगाया है, अच्छा चल रहा है। यहाँ पे ईट अड़ा दी, ये देखो, ताकि कोई से पाड़ पुड़ के ना भाग जाए। देखो मम्मी पिताजी को अभी चाय दे रही है। आज हमारे सेकेंड फ्लोर पर रेलिंग लग रही सबसे ऊपर, अभी एक साइड की रेलिंग तो लगने लग रही, दो साइड की रह रही अभी तो। चलो भाई ऊपर चलते अब जा। और ये हमारा रूम एकदम प्लास्टर से कंप्लीट हो गया है, देखो मम्मी। मैं तो उस दिन इसमें और लग रहा था शुरू में, उस दिन आई थी, 3 दिन बाद आई। पूरी रात में पानी भर गया, और अभी और इस मिट्टी ने सारा पानी सोख लिया, उधर का रह रहा है, देखो कैसे भर रहा उधर है। उधर से ट्वेल में से पानी आया है इधर से, और मिट्टी ने सारा सोप लिया, अब जैसे मैं कुछ बोएंगे। कितना अच्छा सनसेट है, और देखो अलग अलग चिड़िया ये भी बैठी है यहाँ पे, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, ये देखो वायर पे बैठी है, देखो वहाँ से आ रहा था इसमें पानी उस खाल में से, और ये रात रात में पूरा भर गया। मैं रस्सी में बांध के दे रही ऊपर चाय। इससे बाल्टी खींच कर रस्सी से इन्होंने घिसा दी। रोड़ी की बाल्टी थी या पानी की? ओ भाई अर्जा चिंकी करो मैं। तेरे नन्ना जी को नो आइडिया, वहां तेरे नन्ना ने कुंडे में वो टांग रखी रस्सी का। हाँ जी, जब दूध ऊपर को लावे और बाकी सामान नीचे तो ऊपर जाना हो, कुंडे में खींच ले बाल्टी में नीचे ऊपर वाला। हाँ जी, उससे पानी गर्म भी जावेगा नीचे तो उसमें ही जावे बाल्टी दही। नन्ना जी आपको प्रैक्टिस हो रही होगी खींचने की? बिजी शेड्यूल इतना ज्यादा है, और देखो घूमने का भी टाइम नहीं लगता घेर में, कई दिन में आई आज मैं, और इधर तो बिल्कुल प्लान हुआ पड़ा, खेत बाए गया उसमें कुछ बो दिया, अभी ऊपर काम चल रहा, ऊपर से होता हुआ नीचे तक चलेगा जब जाके काम कंप्लीट होगा। प्लास्टर इस कमरे में कंप्लीट हो गया, फिर जो है इसमें बोर्ड वगैरह और जो फिटिंग के तार वगैरह है ये लग जाएंगे, पानी का भी फिटिंग हो गया, और ये बिजली का भी समझो, बस इसमें तार डलना और बोर्ड लगने तो रह रही है बस। चला चिंकी चल ले चाय पियेंगे घर जाके। आ क्या बेटा, चल चल रे, एक मिनट बहुत काम है मुझे, एक मिनट बस, एक बता तो तू नीचे ही बता दिया ना इतने, एक मिनट या इतना तू मुझे यहाँ तक बता रही है, एक मिनट नीचे दे बता, देख कितने सारे बुगले बैठे वहाँ के, ये बैठे टेलर साहब ने अपना काम चालू कर रखा, चाय अपने धोरे ही रख ली जैसे कि टेलर रखे हर कोई, और एक पेटीकोट सील दिया इसने, अब दूसरे का नंबर है कटिंग कर दी, तो दोनों फिकर हो रहा था बहुत ज़्यादा तकड़े वाला, एक तो फिगर ही हो ये तकड़े वाला हो रहा था। हाँ टाइम के टाइम है कपड़े भी, अब देखो डिनर में बनेगी हमारे घर में आलू और मेथी की सब्जी, तो मैं जलाऊंगी चूल्हा, प्रीति ने रख रखी है मशीन, तो ये मेथी काट दी, माँ काट रही आलू, तो डिनर हो गया तैयार, अभी सबको खाना खिलाएंगे। और ये देखो जी ये बन गई है मेथी की सब्जी, और चिंकी ये कह रही मेरे लिए दिन में मेथी बनाई थी यार, फिर मेथी बना दी, दिन का साग बचा हुआ था सुबह साग बनाया था इसे तो लिया दोबारा से, ये देखो। और ये बनेगी मेथी की सब्जी, और प्रीति ने कह रही थी आज सर्गी में हम ये खाएंगे, मैंने तो शाम के टाइम का खाना छोड़ रखा, लेकिन आज तो खा ही लूँगी एक आधी रोटी मेथी की सब्जी, काफ़ी टेस्टी लगा, फिर कल शाम को ही खाना खाया जाएगा, तो इसलिए एक आधी रोटी मैं भी खा लूँगी, साग नहीं खाया आज मैंने दिन में, तो इस वजह से साग ही खाऊंगी मैं। पिताजी और चाचा जी कर रहे हैं इंतजार कब हम आवाज़ लगाए जा, तो अभी थोड़ी देर में इन्हें आवाज़ लगा देंगे। आज यह मेज इधर क्यों निकाल कर रख दी, किसने किसका ही है यहाँ पता नहीं, किसने किसका ही माया, चिंटी चिंटी ने, और चाचा जी
अपना बिस्तरा लगावेंगे खाना खाने से पहले। अच्छा चिंकी देख नंदनी कितनी मेहनत कर रही, ठीक है मेज भी पर खिसका दी उसने मेहनत करते करते। इसने खिसकाई क्यों, खाना नहीं खाओगे सब यहाँ है क्यों खिसका, इधर नचेड़ करी होगी उसके ला रहे ऐसी ऐसी छेड़ी कर रहा है तू सबसे ज्यादा। तो भाई आज चिंकी की तबीयत काफ़ी ठीक रही, बीच में से एक बार पेन हुआ फिर मैंने इसको टैबलेट देकर सुला दिया जैसे छोटी सी को सुला करू थी क्योंकि इसका बेचैनी बहुत रहा है। नु कह प्रीति को आराम करूँ तो कैसा करूँ, नहीं हो रहा मेरे पर आराम, मैं स्कूल में चली जाती, मैं घर बोर हो रही। मैंने कहा स्कूल में ज़्यादा थकान हो जा इस वजह से, अभी एक दो दिन का रेस्ट कर, शाम को मुझे बता दिए काम कितना छूट रहा तेरा, तेरे पापा करवाऊंगे और मैं करवाऊंगी ठीक है। नहीं मम्मी और मैं आज बेटा कल कल की और छुट्टी कर ले, मैंने आज तक किसी पे भी अपनी राइटिंग में काम नहीं करवाया, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई। चल अच्छा तू धीरे धीरे काम, कोई मेरी कॉपी में अपनी राइटिंग से काम करे। कोई बात नहीं मैं मैडम से बात कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तू अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा काम का। मैं अभी मैं काम का स्ट्रेस नहीं ले रही, मेरा परसों तरसों को पेपर है, मैं तो उसका भी नहीं स्ट्रेस ले रही, बस, बस तो? आप मुझे टीवी देखन दो टीवी में क्या देखेगी तू बता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टीन टाइटन्स, गो शिनचैन, कोगी एंड द कॉकरोच, वो कुछ नहीं देखना। और देखो आपको आलू आलू नहीं खाने, सब सब्जियां खानी जो भी घर में बने पकेगी देखो ठीक है ओके। तो गाइस यहाँ पर अभी मेहंदी लगाएंगे हम लोग, और ये देखो सबसे पहली मेहंदी मुझे कन्याओं का लगानी पड़े है जब अपना नंबर आवे यार, सोई नहीं। और नंदनी को तो मैंने बड़ी मुश्किल दसवाया आज, ऊपर ही सोगी वो अभी कहती है सुबह को कहेगी वो तो स्कूल में जाने के टाइम पे भी रट जाएगी। एक हाथ पे मैं मेहंदी लगा रही, एक हाथ पे हमारे जेठ की लड़की है प्रिया, वो लगाएगी प्रीति को, एक हाथ पे उसने कंप्लीट कर दी, और मैं तो लगी हुई हूँ इसमें ही आराम आराम तक बना रही, कदेंगे वो जाऊँ कदेंगे वो, कमर में दर्द भी होगा बैठो बैठो, एक हाथ पे प्रिया मेरे हाथ पे लगाओगी प्रीति का, बस अब हो जा कम्प्लीट। पियू को अब भी नींद नहीं आ रही, पियू आ रही देखो मेहंदी लगा मारे अभी गिर गई थी, देखियो जी कैसी लग रही मेहंदी देखो, ये फूल बूटे, ये मेहंदी के बूटे, ये मेहंदी के बूटे, इनके रंग अनूठे। तो गाइस रात के 10:30 बज गए और मेहंदी लगकर हुई है हाथों पे कंप्लीट, और ये देखो मेहंदी के सूखते ही सरसों का तेल लगाती हूँ मैं, और दोनों हाथ मेरे पीछे थे ना, सरसों का तेल लगाती हूँ मैं, लगा मुझे रख सरसों का तेल लगाती हूँ इस तरह डार्क कलर हो जाएगा सुबह तक मेहंदी का, ये देखो निकलता रे आज ही मेरी लगाती हूँ मैं सरसों का तेल कितना कितना, बस बस हो गया काम। मेहंदी तो रंग लाती है, सरसों का तेल लगाना पड़ा है, जब लगे रंग भाई ऐसे नहीं, डेंटिंग पेंटिंग का काम कई दिन तो शुरू है भाई, कहाँ करवाई डेंटिंग पेंटिंग का, तो फेशियल भी नहीं करवाएगा, टाइम ही नहीं लगा। अच्छा चिंकी को जिस दिन का सोच रखा था उस दिन डॉक्टर का लेकर जाना पड़ा उसे दो घूंट पानी मिल जाता पड़ती रहने तो पहले वो ठीक था। ये देखे भाई चांद निकल गया और बिल्कुल छत्ती पे चढ़ा रहा और हमने तैयारी कर ली, व्रत रखने की ये तो लगा के बैठ गई मेहंदी, गिलास पकड़ने का भी ढंग नहीं रहा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू योर न्यू ब्लॉग, सुबह सुबह 7:30 बजे टाइम स्कूल का होने ही वाला है बस, तो भागा दौड़ चल रही है, अभी घटा नहीं है इनका टाइम, घटा मतलब घटा या बड़ा, बड़ा नहीं अभी, बड़ा नहीं है टाइम, सॉरी गाइस अभी टाइम बड़ा नहीं है, अभी भी 7:45 बजे जाना है, नहीं पहले 7:15 बजे जाओ थे, 7:45 बजे जाना है, तो आधे घंटे का टाइम जो है इनका बढ़ गया है, सर्दी के मौसम के हिसाब को देखते हुए। क्या बनाया था इनके लिए, पराठे बनाए थे आलू से, है भाई पराठे खाए हैं, हाँ बताओ डेली मैं एक पराठा खा के जाऊँ डेली, हाँ 1 बजे छुट्टी हो ना, 1 बजे छुट्टी हो गए, चल जा काम एक पराठे में, पहले 5:30 बजे उठ रहती है, 1 घंटे और बजा और बढ़ा, हाँ तो जितना सुबह बढ़ाएगा फिर इतना ही
छुट्टी के टाइम भी तो बढ़ेगा भाई टाइम, तो ये नहीं मतलब एक पराठे में काम चल जा 12:30 बजे तक तेरा। दो खाकर दो है ठीक है, एनर्जी मन्ने डेढ़ खा डेढ़। चल ठीक है रुचि, कहाँ रुचि? बोल बुरा शुहा तस्यर तुरे बड़े नियंबर वस्ती है यो ना पच दया। तो भी सुनाइए ना 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 ना। गायत्री मंत्र है ये, जब गायत्री मंत्र उसने सुना दिया आप भी सुनाओ क्या होता है गायत्री मंत्र। जैसे कि वस्वा भगवान जी होवे ना, देख नंदिनी को सब पता है। चलो तो भाई टाइम हो गया फटाफट से है, चलो तो भाई करवा चौथ की आप सभी पतियों और पत्नियों को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे चल रहा है साफ सफाई का कार्यक्रम अभी, उसके बाद में तैयारियां होंगी, मतलब जो सजने धजने का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा इससे बाद में। और साफ सफाई में मैं भी यहाँ हाथ बटा रहा पूरा पूरा, ऐसा नहीं है कि अकेली कर रही है, क्योंकि मेरा भी धर्म बनता है, ये पूरा पूरा धर्म बनता है मेरा भी कि करवा चौथ के दिन मैं इनकी पूरी मदद करूं। वैसे तो मैं रोज़ ही करता हूं लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही करूंगा। ज़्यादा कैसा कि जैसे कि साफ़ सफाई, एक जो सपोर्टिंग स्टाफ भूमिका निभाता है ना, चीज़ें मतलब इधर से उधर पकड़ाना ज़रूरी सामान चीज़ें वही वाला, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शब्द कम निकल रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ और खुशी बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट लेवल खुशी का जो लेवल है वो अनदर लेवल का है। तो फिलहाल देखो मेरी मेहंदी, मेहंदी पूछ रहे थे काफी सारे सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर कि भाई ये किसने लगाई है, तो इसने खुद ही लगाई है, तो इसने सीख ली थी आज से 3-4 साल पहले मेहंदी लगाना। तो देख के बताइए भाई कैसा है। वैसे मैंने इस पे सरसों का ऑयल लगाया था, ये बताते हैं कि भाई सरसों का ऑयल लगाने से ना और ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा कलरफुल हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है इसका। तो फिलहाल ये रात ना पूरे बेड पे सरसों का तेल लगाने से सारी मेहंदी अपने आप ही उतर गई, लेकिन रचगी बहुत। मेहंदी ऐसे ऐसे लगा के हाथ पे सो गई, वो ऊपर से जो रात को सूखी वो सब बेड पे भी जाड़ी मैंने चादर वो बहुत फैला हुआ पड़ा था यहाँ पे। खैर ये तो था साफ सफाई का कार्यक्रम, और अभी बस अब करते हैं फटाफट से तैयारी, फिर जो है सजे धजेंगी सारी महिलाएं और इकट्ठी होंगी, कहानी सुनेंगी और मेरा देखने को मिलेगा वो सब तो आपको। और मेरा प्लान है, मेरी प्लानिंग ये है कि मैं भी जाऊंगा ब्यूटी पार्लर में, सैलून में अपने लोकल में, जहाँ ऐसे ऐसे करते हैं ना वो बार बार मसाज, तो हाँ वो थोड़ी सी करवा के आऊँगा। मेरा भी हक बनता है कि भाई बहुत ही चमक दमक और चकाचौंध में मैं भी थोड़ा सा अपना पॉलिश वॉलिश। गाइस देखो ना, मैंने फेशियल करवाया ना ब्लीच करवाई ना प्रीति ने ना मैंने, बस थ्रेडिंग बनवाए थे, उसके बाद में हमें टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी पार्लर तक जाने का। तो मैं भी सोच रहा भाई देखो रंग जो है वो तो बदलने का नहीं, लेकिन इस पे जब परते चढ़ा दी जाती हैं तो थोड़ा बहुत वो चेंज हो जा पता नहीं लगता क्या, 2-4 घंटे के लिए तो आ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो वही है कि आज जो नेचुरल है उससे थोड़ा सा हट के आर्टिफिशियल भी करने की नहीं, हम लोग कब आर्टिफिशियल बनते हैं, ज्यादा मेकअप थोड़ा करें बस। अरे आज बनेंगे ना, मैं क्या रोज की बात कर रहा हूँ। मेरा तो मेरी शादी में भी सिंपल सा मेकअप था। तो चलो भाई अब जो है काम धंधा निपटाते हैं जल्दी जल्दी।